जय माता दी भक्तों, आज सुनेंगे हम ध्यानु भक्त की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित दिल्ली से माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया गया। बादशाह जी ने पूछा, तुम इतने आदमियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। तो अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वालामाई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय की गई हुई प्रार्थना स्वीकार करती हैं। जो सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो, तो कोई करिश्मा करके दिखाइए, हम यहाँ मान लेंगे। ध्यानु ने निर्मता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक और सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर तुम सच्चे तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? यह तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है, यह तुम्हारी इबादत भक्ति झूठी है। इम्तिहान के बाद वह हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े के सिर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली, यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा पहुंचा। स्थान पूजा आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हे अंतर्यामी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपया व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृथा कर देना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करेंगी तो मैं अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। माँ उत्तर दें, माँ मुझे कुछ बताएं, माँ कुछ बोलें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपने आशीष काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त सिर से धड़ से जुड़ गया और भक्त जीवित हो गया। माता ने अपने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुँचो, लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वो बर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में सिर छुआ कर प्रणाम निवेदन किया, है जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी और भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि हे जग माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें, प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश काट कर नहीं दे सकता, कृपया करके मातेश्वरी किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर दिया करें। तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से ही प्रार्थना की गई मनोकामना पूर्ण करूंगी। और यह कहकर माता जी अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपया से अपने हृदय अपने आप जुट गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाही ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं की ताकत से करिश्मा हुआ है, अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दें, इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह भी खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे को फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक
नहर का भाग उस ओर मोड़ दिया गया जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योति का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, आप जो मुनाफिस हो सके वह करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर सवा मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाए, तक प्रसाद स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन 50 किलो भारी सोने का छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए, मस्तक श्रद्धा से झुक गया, अपने आप पश्चाताप होने लगा। सोने के छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था और न ही पीतल, न तांबा, न सीसा, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। यह चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा भी मांगी। नियमानुसार माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। ऐसा था अकबर बादशाह। बाद में जब उन्होंने माता का चमत्कार देखा कि हाँ कोई इस धरती पर शक्ति है, तो उन्होंने सभी को कहा कि जो भी कोई माता के दर्शन करने जाना चाहता है वह जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि वह अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में बाईं ओर रखा हुआ है, आज भी देखा जा सकता है। बोल साचे दरबार की जय।